हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सब ग्रुप। यानी सब ग्रुप आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट है, यानी उपसमूह है। उपसमूह सब ग्रुप यानी उपसमूह। आपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर ही लिया था। ग्रुप थ्योरी यानी ग्रुप क्या होता है? ग्रुप जैसे जी अपने पास एक ग्रुप है, जी स्टार अपने पास एक ग्रुप है, मतलब कोई समुच्चय है। ये ग्रुप कब होगा? जब ये सहमृत होगा, सहचार्य होगा, तस्मक होगा और इसमें प्रतिलोम विद्यमान होगा। यदि ये चार प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होती हैं, यानी जी जीरो, जी वन, जी टू, जी थ्री प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होती हैं, तो वह जो सर जी स्टार एक समुच्चय है, वो एक ग्रुप होगा। अब सब ग्रुप में क्या होता है? सब ग्रुप, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हमने। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? सब ग्रुप किसे कहते हैं? किसी ग्रुप जी का एरिक, मतलब कोई ग्रुप है जी उसका एरिक यानी नॉन वॉइड एरिक्त उपसमुच्चय, उपसमुच्चय एरिक उपसमुच्चय एच, मतलब किसी ग्रुप जी का एरिक उपसमुच्चय, अपने ने एच ले लिया, वो जी का सब ग्रुप कहलाता है। उस एच को एरिक्त होना आवश्यक है, तभी वो एच जी का सब ग्रुप कहलाएगा। यानी कब कहलाता है? यदि वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे। वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सबसे पहले प्रॉपर्टी है एच में जी की संक्रिया सहमृत हो, यानी एच में जी की संक्रिया सहमृत हो, यानी ए एलिमेंट है कोई, वो जी में से है, वो यानी सहमृत क्या होता है? सबसे पहले अपने सहमृत कंडीशन देखते हैं, सहमृत की कंडीशन देखते हैं अपने। सहमृत ही होता है यानी ए एलिमेंट कोई जी में है और इसके ही देर एग्जिस्ट बी एलिमेंट जी में है, ठीक है, बी एलिमेंट भी जी में है, तो उनका जब अपने जी की संक्रिया लगा दें यानी ऑपरेशन लगा दें, तो भी वो जी में आना चाहिए, तो अपने कहेंगे जी है ना वो सहमृत है, यानी स्टार संक्रिया के लिए जी सहमृत है। इसी प्रकार एच में जी की संक्रिया यानी एच जी का सब ग्रुप कब कहलाएगा? यानी एच को एरिक तो होना ही पड़ेगा, यानी नॉन वर्ड तो होना ही पड़ेगा, ये तो मस्टली कंडीशन है। और एच जी का सब ग्रुप कब कहलाएगा? जब वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले एच में जी की संक्रिया सहमृत है, यानी ए जो सा एलिमेंट है वो एच का एलिमेंट है और बी भी एच का एलिमेंट है, तो जी की संक्रिया क्या है? स्टार, तो ये जी की संक्रिया यानी जी की संक्रिया स्टार के लिए सहमृतता किस प्रकार दर्शाएगा? ए स्टार बी है ना, ये भी एच में आना चाहिए, तो अपने कह देंगे जो सर एच है वो जी की संक्रिया के लिए सहमृत है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन इस प्रकार है कि एच जी की संक्रिया के लिए
ग्रुप हो, एच है ना वो जी की संक्रिया के लिए, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये भी एच को जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, तभी वो एच है वो जी का क्या कहलाएगा, एच है जी का सब ग्रुप कहलाएगा। यदि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो एच को जी का सब ग्रुप कहेंगे। एच जी की संक्रिया के लिए ग्रुप किस प्रकार होगा, यानी एच है ना वो स्टार के लिए, स्टार के लिए यानी जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप में सैवरत आती है, सैवरत अपना निषिद्ध कर दी। और इसी प्रकार साहचर्य, साहचर्य कंडीशन को होल्ड करेगा एच, तस्मक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को होल्ड करेगा, और प्रतिलोम यानी इनवर्स एलिमेंट को होल्ड करेगा। तो एच जी का सब ग्रुप कहलाएगा यदि वो ये दो स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं। दोस्तों चलिए अब आगे इससे सब हेडिंग है इसकी, स्टार्ट करते हैं उचित एंड विषम उपसमूह। उचित एंड विषम उपसमूह क्या होते हैं, उचित और विषम उपसमूह होते हैं। अब देखो यदि ग्रुप जी की कोटि, यदि ग्रुप जी की कोटि दो या दो से अधिक, कोई ग्रुप है जी उसकी कोटि दो या दो से अधिक हो तो जी में कम से कम दो उपसमूह यानी सब ग्रुप, जी में दो उपसमूह यानी सब ग्रुप अवश्य विद्यमान होते हैं, अवश्य ही विद्यमान होंगे। यानी जी की कोटि दो या दो से अधिक है ना, तो उसमें दो यानी हर वक्त जी में दो तो उपसमूह अवश्य ही विद्यमान होंगे, चाहे वो उसकी ऑर्डर दो हो या दो से अधिक हो, उसके दो सब ग्रुप तो अवश्य विद्यमान होंगे, पहला आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा जी स्वयं यानी जी इट्सेल्फ। ओके, और इन दोनों को जी के विषम यानी इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, अथवा इनके अलावा जो उपसमूह होते हैं उन्हें उचित यानी प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं, उन्हें उचित सब ग्रुप कहते हैं। यानी एक एग्जांपल है अब सब ग्रुप, अब अपनों ने सी प्लस एक ग्रुप ले लिया, सी प्लस एक ग्रुप ले लिया, ठीक है, सी प्लस है ना ये सब ग्रुप, यानी इसका सब ग्रुप कौन होता है, इसका सब ग्रुप होता है यानी सी प्लस का सब ग्रुप कौन होता है, आर प्लस, और आर प्लस का सब ग्रुप कौन होता है, आर प्लस का सब ग्रुप होता है क्यू प्लस, और क्यू प्लस का सब ग्रुप कौन होता है जेड प्लस, यानी जेड प्लस किसका सब ग्रुप होता है क्यू प्लस का, और क्यू प्लस किसका सब ग्रुप होता है
जेड प्लस किसका सभी रूप है, क्यू प्लस का, और ये क्यू सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर यहाँ पर रियल नंबर है, और क्यू यहाँ पर रेशनल नंबर है, जेड यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है। और आर किसका सब ग्रुप है, सी का, यानी यह आर इस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, यानी सम्मिश्र संख्याओं का एक ग्रुप है, ये इसकी संक्रिया के लिए, संक्रिया के लिए यानी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, जो उनसे अपनों ने स्टेटमेंट में पढ़ा है, यानी एच जी का सबग्रुप कब होगा, जब एच जी की संक्रिया के लिए सहमृत होगा, और एच जी का सबग्रुप कब होगा, जब एच है ना वो जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होंगी, यानी आर है ना वो सी की संक्रिया के लिए, यानी सी की यानी प्लस संक्रिया के लिए ये क्या होगा, सहमृत होगा, और ये आर प्लस है ये सी की संक्रिया के लिए क्या होगा, एक ग्रुप बिलोंग करेगा, तो आर प्लस है ये सी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, धन्यवाद।